तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मैं हूं आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर, और आप जो मेरा सेटअप देख रहे हो, तो जब मैं केदारनाथ गया था तो ये सब मैंने खोल के रख लिया था। इतनी भयंकर बारिश, 3 दिन तक हालत खराब हो गई थी भाई साहब, बहुत तगड़ी। पर मेरे को एक फायदा मिला, भगवान भोलेनाथ के दर्शन बिना लाइन के और बड़े प्यार से हो गए थे। सुबह मॉर्निंग में कोई भीड़ नहीं थी बारिश की वजह से, और जो कैंसिल हो गई थी ना वो चारधाम यात्रा, तो उस वजह से बड़े आराम से दर्शन हुए। पर हमारा तुंगनाथ और बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मुझे मिले थे प्रमोद भाई, उनसे मुलाकात हुई थी, और उनसे कम से कम 1 किलोमीटर तक हम दोनों साथ चले, और MBA चाय वाले भी मिले थे। तो प्रमोद भाई से तो मैंने 1 किलोमीटर तक साथ में चला, बहुत अच्छी तरह से बात करी थी उन्होंने, बहुत अच्छी चीज बताई भी मेरे लिए। तो ये बताया कि आप अपने वीडियो बना रहे हो तो अपने शौक के लिए बनाओ, ना कि पैसे कमाने के लिए, ना कि YouTube पे फेमस होने के लिए, जो अपनी यादें ताजा करने के लिए बना सकते हो आप। जब बनाओगे तो सही रहोगे, नहीं तो अन्यथा आप स्टार्टिंग में फेमस होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो वीडियो बनाना बेकार है। तो ये बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, तो अपने साथ भी रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद का सीन ऐसा था कि मैंने ये सेटअप खोल लिया था, 2 बजे मैं राइडिंग पे निकल गया था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाए थे, तो टेहरी से लेकर ऋषिकेश तक तो बहुत अच्छी लोकेशन लगी मेरे को, तो आपको मैं दिखाता हूँ, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, बात करते हैं बाइक पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी टेहरी में। टेहरी अभी यहाँ से 40 किलोमीटर है, मैं रुका था घनसाली रात में, और हम आए थे केदारनाथ से 5 लोग। तो रुद्रप्रयाग में पूरी सड़क खिसक गई थी, इस वजह से मुझे घनसाली रुकना पड़ा। कम से कम 5 घंटे रात में बाइक चलाई, और 7 बजे करीब होटल लिया घनसाली में, 800 रुपये का। अभी मैं टेहरी से निकल रहा था, तो इतनी अच्छी लोकेशन आपको दिखाता हूँ। पूरे रास्ते केदारनाथ से और फिर घनसाली तक भीजते भीजते आए, सब कपड़े खराब हो गए, पहनने कुछ नहीं। लोकेशन दिखाता हूँ आपको, तो ये है घनसाली और टेहरी मार्ग, देखिए क्या खूबसूरती है। और अभी ये मेरे को जाना है इधर सड़क से उधर, ये सड़क है, और ऐसे उतर के ऐसे जाना है, और मैं अकेला ही चल रहा हूँ, मेरे साथ के फ़ोन नहीं उठाए। और रात में मैंने बाइक चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि रात में सिंगल रोड थी, और इतनी ट्रैफिक दिल्ली की पब्लिक, सारे पूरे इंडिया की पब्लिक, क्योंकि केदारनाथ जी के पट वो क्या इमरजेंसी हो गई है बरसात की वजह से, तो बंद कर दिया गया है, इस वजह से पब्लिक लौट रही थी, तो रुद्रप्रयाग वाला रास्ता बंद हो गया। तो इस रास्ते से अभी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था 2 गाड़ियों का, तो अच्छा हुआ मैं रात में रुक गया। तो ये अपनी बाइक, तो चलते हैं फिर। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं हूँ अभी टेहरी पहुँचने वाला हूँ, 40 किलोमीटर रह गया, 1 घंटे बाइक चला ली है, और मौसम देखो ऐसा हो रहा है मस्त, और क्या शानदार व्यू है, और ऊपर पहाड़ पे घर बने हुए हैं बहुत अच्छे तरीका से, और ये रास्ता, और ये नहर, पता नहीं कौन सी नदी है, ये है टेहरी बांध, टेहरी बांध। और टाइम कितना हो गया, 8:11, और हमको यहाँ से निकलना, ऋषिकेश रह गया यहाँ से 120 किलोमीटर। ऊपर धूप निकलने लग गई, तो बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, मिलते हैं फिर 12 बजे हरिद्वार। तो ये लोकेशन है, अभी ऋषिकेश रह गया है आपके 40 किलोमीटर, और ये पहाड़, और ये ऐसे करके हम आए थे भाई साहब, शरीर की बाट लग गई कि उत्तर की गाड़ी गई। तो ये देखो बादल हो रहे हैं, आज थोड़ी धूप दिखी है नहीं 3 दिन बाद। ये लोकेशन है, रोड अच्छा है काफ़ी। तो मैं निकला था 16 तारीख को सुबह 2 बजे, और 7 बजे हम केदारनाथ पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद बारिश का दौर चालू। भाई साहब बारिश ने हालत ख़राब कर दी, अब जाके रुकी है बारिश, 3 दिन से बारिश हो रही थी, पैरों की शरीर की, कपड़े एक भी सूखे नहीं। एक अंडरवियर लिया था मैंने होटल में सोने के लिए 50 रुपये का। अभी 9:33 हो गए, और मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश से थोड़ा पहले, 40 किलोमीटर रह गया ऋषिकेश, तो मिलते हैं।
फैब्रिक में से आवाज़ आ रही है, तो इसके लेदर अपडेट शूज इसके हैं, तो रात में भी बहुत भयंकर आवाज़ आ रही थी और पीछे की ब्रेक भी बहुत कम काम कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने घनसाली तक, केदारनाथ से घनसाली तक गाड़ी चलाई। अब ये पता नहीं कितने किलोमीटर थे, हाँ पर किलोमीटर थे, और घनसाली से 138 से 150 किलोमीटर ऋषिकेश रह गया था। तो इस वजह से मैंने रात में स्टे वहीं किया। तो बारिश की वजह से मैंने सारा अपना कैमरा और माइक वगैरह सब निकाल के रख देते। तो आज ऋषिकेश से पहले तो मैंने अपना सेटअप दोबारा से लगाया है, और तो मौसम हो गया है मस्त, एकदम धूप निकल रही है। तो शुक्र है भगवान का, हमारी केदारनाथ यात्रा सफल रही और हमें अच्छे से दर्शन हो गए। और जो यात्री थे जिनको दर्शन नहीं हुए वो नीचे फंसे हुए हैं अभी भी, तो मौसम खुलते ही तो वो वापस जाएंगे केदारनाथ यात्रा पे। और प्रमोद भाई ने बताया था कि जेट प्रभोजोत भाई भी आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला, तो हेलीकॉप्टर का मिलने का वेट कर रहे हैं, तो वो भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए ऊपर जाएंगे केदारनाथ यात्रा के लिए। और वो हमारे साथ चले थे प्रमोद भाई, तो यात्रा अच्छी रही कुल मिला के। अब दोबारा बाबा बुलाएंगे, दोबारा ज़रूर आएंगे और चारों धाम की यात्रा आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी हम हैं ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रही है आगे की। हरिद्वार गंगा जी, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो भी हम पहुंच गए मेरठ, और यहाँ पे खाए हमने आलू टिक्की और पी चाय, थोड़ा देर रेस्ट किया और चलते हैं फिर वापस। अब पहुंचना है बुलंदशहर, बुलंदशहर से जाना है खैर, और खैर से राया माट होते हुए, माट राया होते हुए भरतपुर।